हेलो फ्रेंड्स, अभी ये पिछली वीडियो से ही मैंने कंटिन्यू किया हुआ टॉपिक है, ठीक है। तो ये एक टॉपिक है, इसके बाद हम लोग ये रिएक्शंस विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हम लोगों ने अभी देखा है कि हाइड्रोजिनेशन जो है वो क्या होता है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हाइड्रोफॉर्माइलेशन जो है उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, बहुत सिंपल है हाइड्रोफॉर्माइलेशन, ठीक है। ये थोड़ा सा अजीब सा नाम है, ठीक है। तो हाइड्रोफॉर्मलाइजेशन नहीं बोलना इसको, हाइड्रोफॉर्माइलेशन है ये, ठीक है। इसमें देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, H2+CO, ठीक है। आपने इसको देखा होगा कि ये जो दोनों गैसेज हैं, आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो यहाँ पे हम लोगों ने इनको सिन गैसेज का नाम दिया था। तो अगर सिन गैस को मैं किसी भी ऑलिफिन्स, मतलब कोई भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करवा रहा हूँ, तो देखो क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से हटेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा और CHO जो है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, जो कि H2+CO के साथ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करके एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन जो है वो कर रहा है। अगर इसको मैं फर्दर रिड्यूस करूं हाइड्रोजन के साथ, तो हमारे पास जो है यहाँ पे एल्कोहल्स का फॉर्मेशन जो है वो होता है, ठीक है। यूजुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एल्डिहाइड्स को रिड्यूस करके एल्कोहल्स बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिड्यूस करके एल्डिहाइड्स या हमारे पास कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये डिटेल डिस्कशन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यूजुअली आता है, ठीक है। पर आप थोड़ा सा ये जान लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, जो कि एक सिन गैस है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ओलिफिन्स वगैरह से रिएक्ट करके एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, जो कि फर्दर रिड्यूस होके हमारे पास एल्कोहल्स में जो है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज जो नोटिस करने वाली है मैं जरूर बताऊंगा आपको। तो देखो यहाँ पे एक दो कार्बन है जो कि आर के साथ अटैच है, और यहाँ पे देखो एक दो तीन कार्बन है जो यहाँ पे आर के साथ अटैच है। इसका मतलब ये जो कार्बन है इसने H के साथ कंबाइन करके CHO जो बनाया, वो CHO यहां अटैच हुआ, ठीक है, और एक जो हाइड्रोजन बचा वो इस पॉइंट पे अटैच हुआ। तो देखो यहां पे एक हाइड्रोजन इस पॉइंट पे अटैच हो रहा है और यहां से जो CHO का फॉर्मेशन हो रहा है वो इस पॉइंट पे अटैच हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखो, अगर हम फर्दर इसको हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिड्यूस करेंगे तो यहां पे हमारे पास CH2OH ग्रुप लगा हुआ है जो कि एक एल्कोहल का ग्रुप है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन जो है यहां पे हमारे पास हो रहा है। होप आपको ये समझ आ गया है सारा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। बाकी मेरी वीडियोस वगैरह को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। तो तब तक के लिए शुक्रिया।